हेलो दोस्तों, राम राम जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से मुल्तानी मिट्टी को या किसी भी मिट्टी को छोड़ सकते हैं। ये 100% वर्क करेगा और आपकी मिट्टी खाने की लत जो है वो छूट जाएगी, चाहे वो कोई भी मिट्टी हो। ये देखिए, चाहे वो आपकी नकुमट हो, चाहे स्लेट पेंसिल हो, स्लेट बार हो, या रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी हो, या मुल्तानी मिट्टी हो, या खाड़ी मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, आपकी सारी जो लत है ना, इनको खाने की छूट जाएगी। असल में क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है इनकी स्मेल से, जो इसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है ना, सबसे ज़्यादा क्रेविंग उसी चीज़ से होती है खाने के लिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर जिस चीज़ में दुर्गंध आती है तो वो चीज़ तो हम लोग नहीं खाते कि भाई इसमें तो बदबू आ रही, इसको हम क्यों खाएं। लेकिन जिस चीज़ में खुशबू आती है ना, उस चीज़ को खाने का मन करता ही करता है। और जब इसको हम पानी में डाल देते तब और ज़्यादा स्मेल इसकी अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है स्मेल, बेहतरीन कोई भी हो, ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, गजब होती है इसकी स्मेल। मतलब सबकी स्मेल एकदम, मतलब नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब परफ्यूम से अगर मैं कहूँ, परफ्यूम से भी ज़्यादा अच्छी होती है, तो कुछ गलत नहीं होगा जिनको मोस्टली क्रेविंग होती है। क्योंकि मैंने बहुत खाई है, मुझे पता है इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसके नुकसान ऐसा नहीं कि कम है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी खाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी एक किडनी जो स्टोन हुआ धीरे धीरे, इसको खाने की वजह से आपके मोशन हार्ड हो जाते हैं, आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसको खाने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, जिस वजह से मिसकैरेज होते होते बच्चा, और लेकिन कुछ नहीं तो, लेकिन मुझे मेरी किडनी तो एक खोनी ही पड़ी, इतना आप मान लीजिए। शॉर्ट टर्म में इतना नहीं पता चलता, लेकिन अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक खाते हैं तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, चाहे ये हो या फिर ये वाली हो या ये वाली हो या फिर ये वाली हो, इनके लॉन्ग टर्म में नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इनको खाएं ना, उसके बाद भी क्रेविंग कंट्रोल करना मुश्किल है। मुझे पता है क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन आज मैंने इस हद तक क्रेविंग को कंट्रोल कर ली है कि मैं इन्हीं पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं इनको खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसको, इस क्रेविंग को कंट्रोल मैंने, सबसे सही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको मिट्टी खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मार्केट में इस तरीके की टॉफ़ी मिलती है, पल्स। कोई प्रमोशन नहीं कर रही इस चीज़ का, लेकिन मैंने इस चीज़ से छोड़ी है। तो इस तरीके की पल्स टॉफ़ी मिलती हैं, जिनको खा के जब भी आपको लगे क्रेविंग हो रही है, मोस्टली बहुत लगे क्रेविंग हो रही है, तो आप इस एक पल्स खा लीजिए, या फिर आप कोई भी मैंगो से बनी टॉफ़ी, जो खट्टी मीठी टॉफ़ी होती है ना, वो खाइए। मीठी टॉफ़ी मत खाइएगा, उससे क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती है। या तो मसाले वाली टॉफ़ी होनी चाहिए, या फिर मैंगो की खट्टी मीठी टॉफ़ी होनी चाहिए। मीठी नहीं होनी चाहिए, खट्टी मीठी होनी चाहिए, इसका टेस्ट बिल्कुल हटके हो। चाहे वो कच्चा मैंगो बाइट ले लीजिए, या पल्स मुझे सबसे बेस्ट लगी अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए, और मैं मोस्टली पल्स ही खाती हूँ, और पल्स हमेशा मैं रखे रहती हूँ अपने घर में। तो आप जैसे, आपके पास आपको पल्स पसंद नहीं, तो आप कोई भी खट्टी टॉफ़ी जो मैंगो से बनी हो, जो खट्टी मीठी हो, कैरी, कैरी भी अगर आप खा सकते तो खा लीजिए, वरना जो खट्टा मीठा टेस्ट होता है ना, वो आपकी क्रेविंग को बहुत हद तक जो है ना कंट्रोल करता है। आप एक बार आजमा के देखिए जी, 100% वर्क करता है। इसमें आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दवाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, आपको बहुत क्रेविंग लगी, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि
सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि इस चीज़ को आप थोड़ा अपने से दूर करें, डिस्टेंस पे रख दें कि आपको बार बार इसको देख के इसको खाने का मन ना करे। और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, एक पल्स या खट्टी मीठी कोई भी टॉफ़ी आप अपनी टंग के नीचे या साइड में, आपको चबाना नहीं है, बस इसको दबा के रख लेना है। बस इसको थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से टॉफ़ी को लें, खोलें, या तो टंग के नीचे या फिर साइड में बस आपको चबाना नहीं है, कुछ नहीं करना है और अपना काम करते रहना है। वो अपने आप धीरे धीरे घुलेगी, धीरे धीरे घुलेगी और घुलते घुलते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी क्रेविंग खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, इससे होगा, इससे दो चीज़ें होगी, आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा आपकी मिट्टी खाने की लत छूट जाएगी। आप ये मेरा पर्सनल आजमाया हुआ है, आप इसको एक बार आजमा के देखें, ये बहुत अच्छा तरीका है बिना कोई मेडिसिन लिए इस चीज़ से छुटकारा पाने का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बजाना ना भूले। आज मेरा इतना कंट्रोल हो चुका है कि ये मेरे सामने भी होते हैं ना, मैं इस पर वीडियो ही बनाती हूँ, पानी में भी हो तब भी मैं खाती नहीं हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बजाना ना भूले। बाय, राम राम जी।